नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर 600 स्क्वायर फीट स्लैब कास्टिंग यानी कि स्लैब की ढलाई हो रही है। तो इस 600 स्क्वायर फीट के स्लैब ढलाई में जितना पैसा लगा उसको मैंने अपनी कॉपी पर नोट कर लिया है। तो आज मैं आपको इसी के आधार पर बताऊंगा कि 600 स्क्वायर फीट स्लैब की कास्टिंग में यानी कि छत की ढलाई में सीमेंट कितना बैग लगेगा, कितने रुपए का लगेगा, सैंड कितना लगेगा और कितने रुपए का लगेगा, एग्रीगेट कितना क्यूबिक फीट लगेगा, कितने रुपए का लगेगा और इसके साथ साथ स्टील कितनी लगेगी और कितने रुपए की लगेगी, और लास्ट में हम टोटल करके देखेंगे कि कुल कितना पैसा लग गया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 600 स्क्वायर फीट स्लैब रिक्वायर्ड मटेरियल यानी कि 600 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई में कितना मटेरियल लगेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सीमेंट कितने का लगेगा, सैंड यानी कि बालू कितने की लगेगी, एग्रीगेट यानी कि गिट्टी कितने की लगेगी, स्टील यानी कि सरिया कुल कितने का लग जाएगा, और लास्ट में हम टोटल करेंगे कि इन सभी मटेरियल का कुल कितना पैसा हो गया। तो 600 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई में यदि हम सबसे पहले सीमेंट की बात करें तो ऊपर की स्लैब ढलाई में आप देख सकते हैं कि ऊपर स्लैब कुछ इस तरीके से ढाली जाती है। तो पूरा ऊपर की स्लैब ढलाई में 61 बैग सीमेंट लग गया और इसके साथ साथ 12 यानी कि 12 बैग सीमेंट स्लैब के नीचे हम कुछ इस तरीके से बीम बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर स्लैब के नीचे बीम बनी हुई है, तो स्लैब के नीचे पूरे घर की बीम बनाने में 12 यानी कि 12 बैग सीमेंट लग गया। तो यदि हम इन दोनों का टोटल करें तो टोटल 63 बैग यानी कि 73 बैग सीमेंट लग गया। और यदि हम 73 बैग सीमेंट की बात करें तो मार्केट में एक बैग हमें 350 रुपए का मिल गया, यानी कि 350 रुपए का हमें एक बैग सीमेंट मिल गया और पूरे स्लैब की ढलाई में 73 बैग सीमेंट लगा। तो चलिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि टोटल 73 बैग सीमेंट का कुल कितना पैसा हो गया। तो 73 यानी कि टोटल स्लैब की ढलाई में 73 बोरी सीमेंट लग गया इंटू 350 यानी कि 350, तो 350 का हमने गुणा किया, एक बैग सीमेंट का जो रेट है वो 350 है, इसलिए हमने 73 में 350 का गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 25,550 रुपए आ गया। तो चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं। तो 600 स्क्वायर फीट पूरे स्लैब की ढलाई में 73 बैग सीमेंट लग गया, जिसका कुल रेट जो है 25,550 रुपए हो गया। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड यानी कि बालू की बात करें तो 600 स्क्वायर फीट स्लैब के ऊपर की ढलाई में 113 यानी कि 113 क्यूबिक फीट बालू लग गई यानी कि सैंड लग गई, और इसके अलावा स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो बीम होती है पूरे घर की बीम की ढलाई करने में 22 क्यूबिक फीट यानी कि 22 क्यूबिक फीट बालू लग गई। और यदि हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो टोटल 600 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई में 135 यानी कि 135 क्यूबिक फीट बालू लग गई। और यदि हम एक क्यूबिक फीट बालू के रेट की बात करें तो मार्केट में हमें 57 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बालू मिल गई। तो सैंड यानी कि बालू का जो रेट है वो ऑल इंडिया में एक समान नहीं होता, किसी एरिया में कम तो किसी में ज्यादा होता है। तो हमारे एरिया में सैंड यानी कि बालू का जो रेट है वो 57 रुपए क्यूबिक फीट है। तो चलिए हम 57 का गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले 135 यानी कि 135 का मतलब कि स्लैब की पूरी ढलाई करने में 135 क्यूबिक फीट बालू लग गई गुड़ा 57 रुपए, यानी कि एक क्यूबिक फीट बालू खरीदने में हमारा 57 रुपए का खर्च हुआ। तो 57 का हम गुड़ा कर लेते हैं। तो गुड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 7,695 रुपए यानी कि 7,695 रुपए बालू में लग गया। तो 7,695 रुपए का सैंड यानी कि बालू लग गया। सैंड के बाद यदि हम एग्रीगेट यानी कि गिट्टी की बात करें तो स्लैब के ऊपर की ढलाई करने में 226 यानी कि 226 क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी लग गई, और इसके साथ साथ यदि हम स्लैब के नीचे की बात करें आप देख सकते हैं कि स्लैब के नीचे यानी कि छत के नीचे कुछ इस तरीके से स्लैब बीम बनाई जाती है, तो पूरे घर की स्लैब बीम बनाने में 44 क्यूबिक फीट गिट्टी लग गई। तो यदि हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो 270 यानी कि 270 क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी लग गई। तो यदि हम रेट की बात करें तो मार्केट में हमें
68 रुपए क्यूबिक फीट के हिसाब से गिट्टी मिल गई, यानी कि एक क्यूबिक फीट का जो रेट था मेरे एरिया में 68 रुपए क्यूबिक फीट था। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले 270 यानी कि 600 स्क्वायर फीट का स्लैब ढलाई करने में 270 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लग गई। तो 270 ये आपका टोटल एग्रीगेट हो गया इंटू 68 रुपये। ये 68 रुपये जो है 1 क्यूबिक फिट गिट्टी का रेट है। यदि हम टोटल करें तो आप देख सकते हैं कि 18,360 रुपये, यानी कि एग्रीगेट गिट्टी का जो टोटल खर्च है 18,360 रुपये है। तो 600 स्क्वायर फिट स्लैब ढलाई करने में 270 क्यूबिक फिट एग्रीगेट गिट्टी लगेगी, जिसका कुल प्राइस 18,360 रुपये हो गया। आपके एरिया में एग्रीगेट यानी कि गिट्टी का क्या रेट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज भाई आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। एग्रीगेट के बाद यदि हम स्टील की बात करें यानी कि सरिये की बात करें, तो स्लैब के ऊपर के यदि हम स्टील यानी कि सरिया की बात करें तो 693 किलोग्राम सरिया लग गया। तो स्लैब के ऊपर के बाद कुछ इस तरीके से जो हम बीम बनाते हैं, आप देख सकते हैं कि स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से बीम बनती है। और स्लैब की ढलाई करने से पहले आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्लैब बीम में भी सरिया लगाई जाती है। तो यहां पर स्लैब की बीम में 180 किलोग्राम सरिया लग गया। तो स्लैब और स्लैब बीम के बाद जो अगला नंबर आता है, स्लैब बीम में कुछ इस तरीके से रिंग लगती है। आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम में कुछ इस तरीके से रिंग लगाई जाती है। तो यदि हम स्लैब बीम में लगने वाली रिंग की बात करें तो रिंग बनाने में 103 किलोग्राम का सरिया लग गया। यदि हम इन तीनों का टोटल करते हैं तो 976 यानी कि 976 किलोग्राम सरिया लग गया। तो चलिए देखते हैं कि 976 ग्राम सरिया खरीदने में हमारा कुल कितना पैसा लग गया। तो 1 किलो सरिये का जो रेट था मार्केट में हमारे एरिया में वो 58 रुपये किलोग्राम था। तो चलिए हम गुणा करके पता कर लेते हैं कि कुल कितना पैसा हो गया। तो 976 ग्राम इतना हमारा टोटल सरिया लग गया इंटू 58, 1 किलोग्राम सरिये का रेट। टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 56,608 रुपये लग गया। तो चलिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पे टोटल हमारा हो गया 56,608 रुपये, यानी कि 56,608 रुपये का टोटल आपका सरिया लग जाएगा। तो चलिए अब हम इन सभी का टोटल करते हैं। तो सबसे पहले सीमेंट का 25,550 रुपये हो गया, प्लस सैंड यानी कि बालू का 7,695 रुपये हो गया, प्लस एग्रीगेट का 18,360 रुपये हो गया, प्लस स्टील यानी कि सरिये का 56,608 रुपये हो गया। तो यदि हम इन सभी का टोटल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि टोटल 1,08,213 रुपये आ गया। तो 600 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई करने में जो टोटल मटेरियल का रेट होगा वो लमसम 1,08,213 रुपये हो जाएगा, यानी कि लमसम 1,08,213 रुपये लग जाएगा। तो इसी प्लान के आधार पे आपको यह इन्फॉर्मेशन दी गई थी। आपके प्लॉट का साइज कुछ भी हो, ये टोटल एरिया 600 स्क्वायर फीट है, तो 600 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई करने में लमसम 1,08,213 रुपये लग जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।